आपण माने शुणिबाकू जाउछंती जे वास्तवरे गोटे संतान बा गोटे पुत्र अग्नि भितर किभळी भाबरे संभव हेइ पारले। अग्नि नहंती केवल क्रोधाग्निरु केमिति संभव हेले चलंती शुणिबा दिनकर घटना। भगवान शंकरंकु दर्शन करिबा पई देवराज इंद्र एवं बृहस्पति साथी हेकि आसुछंती। आपण माने समस्त जानिछंती इंद्र देवंक भितरे किभळी भाबरे गोटे राजकीय अहंकार थाए, किंतु सीए बेचना करें जे शंकर भगवान पाखरे राजकीय अहंकार रखा केत दूर यथार्थ। बृहस्पति एवं इंद्र साथी की आसिले भगवान शंकर जापारती जी त्रिलोकर नाथ पुणी देवदेव महादेव जी देवंकर भितर जी देव महादेव सी चिंता कले जी इंद्र भितर एजावत एत अहंकार देखा टी परीक्षा करवा सी मत चिन्ह पार्टी कि ना। देवराज इंद्र आसुचंती आ भगवान शंकर छद्म बेशरे वृद्ध ब्राह्मण रूप हो कैलासरे एपट सेपट हो बुलाबूली करुचंती। गले बृहस्पति सहित देवराज इंद्र देखिले क्यों स्थान रे ही भगवान शंकर नहांती कौन करिवे। वृद्ध ब्राह्मण को देखिले कहले शुण शंकर कौटी अच्छा कुआडे जाइचंती। ये कहपरिनी आपण देखिनियंतु शंकर भगवान कुआड़े जाटा आपण ही देखी नि रे दीनहीन वृद्ध ब्राह्मण तुम्हें जापार न मु देवराज इंद्र देवता मानकर देवता देवता मानकर राजा तापर मध्ये तुम्हें मत ये व्यवहार करुच। क्रोध जर्जरित तो है देवराज इंद्र ब्राह्मण सहित असत व्यवहार करने को लगिले किंतु से पाखे ही थे बृहस्पति। बृहस्पति इंद्र को जिते शांत करने को चाहिए इंद्र शांत होते कह तुम्हें जाच हे ब्राह्मण मो सहित तो तुम्हें जुक्ति करुच। ब्राह्मण एक कहले कह आप तो इंद्र आपण निजे खोजिकी पा ना शंकर भगवान को भगवान शंकर क्यों स्थान अच्छा आप पचारे आप भक्त रागिगले देवराज इंद्र कहे मुझ तुमको अभिशाप देवी। इंद्रंकर एतादोष व्यवहार देख शंकर भगवान निजे रागिगले कहे इंद्र तुम्हें कौन मत अभिशाप देव निज स्वरूप प्रकट हो गले आउ इंद्र को अभिशाप देवा समय रे आगरे ठिया हो गले बृहस्पति विनीत भाव अनुरोध कले शंकर क्रोध जाग्रत हो शंकर तृतीय नयन उन्मुक्त हो खोली जा तृतीय नयन अग्नि इंद्र को आकर्षित करने आघात करने जीवा समय रे बृहस्पति स्तुति करी हे देव देवेश आपण तांकु क्षमा करंतु आपण तांकु बंचे दियंतु। आउ बृहस्पति अनुरोध पई देवराज इंद्र को बंचे देचंती भगवान शंकर किंतु शंकर कहते हे गुरु बृहस्पति बा देवगुरु बृहस्पति मोर जो तृतीय नयन उन्मुक्त हो तार जो अग्नि ये अग्नि केवे निष्फल हेनी मुझ अग्नि को कौन करी ताकु समुद्र भितर को फिंगी दिया जाए। भगवान शंकर जो तृतीय नयन अग्नि समुद्र भितर को फिंगी देचंती आउ से क्रोध अग्नि एक संतान जन्म हो एक पुत्र जन्म हो जहांकर गोटे नाम शंखचूड़ आउ आपण माने तांकु जलंधर नाम जानती समुद्र मंथन बा सिंधु पुत्र जलंधर समुद्र गर्भर जलंधर सृष्टि जो सिंधु पुत्र बोली कहा जाएगी। आउ भगवान शंकर क्रोधर जात होते अमाप शक्ति असीम शक्ति सृष्टि जो शक्ति द्वारा से देवता मानकर क्षति करने चाहती परवर्ती पर्यायर किभली भाव देवता मान सहित आक्रमण करिचंती बारंबार तांकु राक्षस बोली कहा जाए जलंधर राक्षस जेहेतु से क्रोधर सृष्टि तेणु गोटे संतान को उद्भव समय रे पिता माता निजर उपासना द्वारा जदि भक्ति द्वारा संतान को सृष्टि करा जाए तार से संतान रो प्रवृत्ति शांत सरल होता है। आउ क्रोध द्वारा प्रतिक्रिया द्वारा यदि संतानी सृष्टि हुए से निश्चित भाव में राक्षस हुए जहाँकि जलंधर पक्ष देवता मान आक्रमण करने समय शिवंकर शक्ति जेहेतु सी जन्म होती तेणु देवता मान आक्रमण कर चली अत्यंत प्रभावशाली होती जिते पत्नी बृंदावती निष्ठा को हरण कर भगवान विष्णु द्वारा जलंधर राक्षस मृत्युवरण कर। यही कथारु आमको यही शिक्षा मिले जे क्रोध
सबुबले ही क्षतिकारक होता है से देवतांकर क्रोध हेउ बा आम मानकर क्रोध हेउ शिवंकर क्रोध अग्निरु जो संतानटी उद्भव हेला से मध्य देवतांक पई समस्या हेगला।